नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्या। स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश न्यूज रूम लाइव में। न्यूज रूम लाइव में आज हम बात करेंगे दिन भर की तीन बड़ी खबरों के बारे में। जी हां, पहली खबर आपको बता दें, दिल्ली विधानसभा से जहां पे एलजी के अभिभाषण से पहले ही हंगामा शुरू हो गया और कार्रवाई ठप हो गई। दूसरी बड़ी खबर जिस पर सभी की निगाहें, आपको बता दें कि संसद से जुड़ी हुई खबर जहां पर दोनों ही सदनों की कार्यवाही आज पांचवें दिन एक बार फिर से ठप हो गई है, 20 मार्च के लिए ठप। आपको बता दें कि अब कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है। भारी हंगामा आज भी आपको बता दें कि दोनों ही सदनों में देखने को मिला, चाहे हम राज्यसभा की बात करें चाहे हम लोकसभा की बात करें। आपको बता दें कि पक्ष और विपक्ष आमने सामने खड़ी रही, चाहे हम अडानी मामले की बात करें चाहे हम दूसरी तरफ राहुल गांधी की तरफ से जो बयान दिया गया था उस पर बात करें। तीसरी बड़ी खबर आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया की आज कोर्ट में पेशी होने वाली है। आज क्या कुछ फैसला कोर्ट की तरफ से सुनाया जाता है ये देखना अहम हो जाता है। इन तीनों ही खबरों पर हमारी सुबह से ही नजर बनी हुई है, पल पल के अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तीनों ही खबरों पर आज हम बातचीत करेंगे। मेरे साथ मारूफ रजा जी, एडिटर इन चीफ है न्यूज वर्ल्ड इंडिया के, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसी के साथ ही मेरे संवाददाता है सुदीप दिल्ली से, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। और इसी के साथ ही आरती हैं, सोशल मीडिया हेड है, वो भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। उनसे भी बातचीत करेंगे, सोशल मीडिया पर क्या कुछ हलचल मची हुई है तमाम खबरों को लेकर उनसे भी जानकारी लेंगे। लेकिन आपको बता दें, पहली खबर जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं दिल्ली विधानसभा से जुड़ी, जहां पर एलजी के अभिभाषण से पहले ही आपको बता दें कि हंगामा शुरू हो गया और कार्रवाई को ठप करना पड़ा। इस बीच देखिए, सुधांशु त्रिवेदी की तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और बड़ा हमला आम आदमी पार्टी सरकार के ऊपर बोला गया। उनकी तरफ से साफ किया गया कि केजरीवाल के घर पर शराब नीति बदली गई। इसी के साथ ही उन्होंने ये कहा कि जो अपने आप को कट्टर ईमानदार बोलते थे वो अब झूठ के सौदागर हो चले हैं। सुधांशु त्रिवेदी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा गया, सबसे पहले आपको सुनवाते हैं, सुनिए। जो अपने को कट्टर ईमानदार कहते थे वो तो अब झूठों के सरदार नजर आ रहे हैं। अब स्थिति यह है, वो एक सूरदास जी की पंक्ति है ना, कि एक हुतो समझाइए आके कूप ही में ही भांग पड़ी है। अगर एक व्यक्ति हो तो उसे, वैसे होली का सीजन तो निकल चुका है, पर ऐसा प्रतीत होता है कि आम आदमी पार्टी उस कुएं का पानी पी रही है जिसमें पूरे कुएं में भांग पड़ी हुई है। तो इसलिए इन्होंने जिस प्रकार से सच को छुपाने और डाइवर्ट करने का प्रयास किया है, तो देखिए, सुना आपने, बड़ा आरोप सुधांशु त्रिवेदी की तरफ से लगाया गया आम आदमी पार्टी के ऊपर। हालांकि आपको बता दें कि अब इसके बाद जो आज तस्वीर सामने निकल कर आई, देखिए अरविंद केजरीवाल एलजी के समर्थन में भी उतरते हुए नजर आए। जिस तरह से एलजी की तरफ से तारीफ की गई सरकार की कि बेहतरीन काम सरकार की तरफ से किया गया है, कई अड़चने जरूर आई लेकिन इस बीच तमाम अड़चनों को पार करते हुए दिल्ली सरकार की तरफ से, केजरीवाल सरकार की तरफ से बेहतरीन काम किया गया। अब उसके बाद केजरीवाल भी उनके समर्थन में आ चुके हैं, कई चीज़ों को लेकर उन्होंने अपना बयान दिया। हालांकि आपको बता दें कि आज जिस तरह से हंगामा शुरू हुआ, कार्रवाई ठप हो गई, इसी पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ तमाम लोग जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं सुदीप का रुख करूंगी, दिल्ली से हमारे संवाददाता हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुदीप, सबसे पहले तो मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर, क्योंकि सुबह से ही इस खबर पर हमारी नज़र बनी हुई है, पल पल की अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुँचा रहे हैं, क्या जानकारी इसको लेकर, क्योंकि आज विधानसभा में हंगामा शुरू होता है उसके बाद कार्रवाई ठप हो जाती है, अपडेट अभी आपके पास क्या कुछ रिलेटेड? जी बिल्कुल, आपको बता दें उपराष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई उसके पहले ही दोनों पार्टियों में, पक्ष और विपक्ष में जोरदार हंगामा होने लगा। दोनों पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगाने लगी और आप अभी सुना भी रही थी कि किस तरीके से सुधांशु त्रिवेदी ने भी आरोप लगाया और बताया कि जो इसके पहले सच बोलते थे आज वो झूठ के सौदागर हो गए हैं। किसी न किसी तरीके से आप इसको भी देख सकते हैं कि जिस तरीके से मनीष सिसोदिया भी इस समय जेल में है उनके ऊपर भी आरोप लगा है और इधर बीजेपी के जितने विधायक थे सब केजरीवाल की इस्तीफे की मांग भी कर रहे थे। तो पक्ष विपक्ष का आरोप लगा था और आरोप ये दोनों तरफ लगते हैं। इसी संदर्भ में ये विधानसभा की कार्रवाई जो है ये रोक दी गई है। जब ये अगली कार्रवाई 20 तारीख को होगी, मतलब सोमवार को। चलिए ठीक है सुदीप, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के, लौटूंगी आपके पास। लेकिन इस बीच मेरे साथ मारूफ रजा जी जुड़े हुए हैं, एडिटर इन चीफ है न्यूज वर्ल्ड इंडिया के, उनका रुख कर लेते हैं और उनसे जानकारी लेते हैं। मारूफ जी, तमाम चीज़ें आपने देखी सुबह से जो चल रही हैं, हालांकि इस बीच देखिए सुधांशु त्रिवेदी की जी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, बड़ा आरोप उनकी तरफ से लगाया गया आम आदमी पार्टी के ऊपर। उन्होंने साफ कहा कि हालांकि ये पहले भी सरकार, बीजेपी सरकार बोलती आई है कि जो शराब नीति है वो केजरीवाल के घर पर ही बनी, और आज भी उन्होंने साफ कहा कि जो कट्टर ईमानदार अपने आप को बोलते थे आज वो झूठ के सौदागर हो चुके हैं। एक बड़ा आरोप उनकी तरफ से आम आदमी पार्टी के ऊपर। देखिए वाकई जिस तरीके से अब अगर पूरे मैं देश की बात करूं तो हर जगह सदन चल रहे हैं। उत्तराखंड का कल ही खत्म हुआ, बिहार में चल रहा है, उत्तर प्रदेश में चल रहा है, और आज से जो है
मेयर चुनने के बाद दिल्ली विधानसभा का सत्र शुरू होना था और एक औपचारिकता होती है कि अभिभाषण जो है वो उपराज्यपाल देते हैं, उसके बाद कार्रवाई शुरू होती है। लेकिन आज बिल्कुल अभिभाषण से पहले जिस तरीके से हो हल्ला शुरू हो गया और दोनों ही पार्टियों ने, चाहे सत्ताधारी आम आदमी पार्टी के विधायक रहे हों और चाहे भाजपा के विधायक रहे, दोनों ने जमकर हंगामा किया। उसके बाद थोड़ी सी कार्रवाई शुरू होने की बात आई, लेकिन मामला वही आकर के फंस गया, पेज फिर फंस गया कि आखिर चीजें आगे बढ़ेगी कैसे। इस पर जो है विधानसभा अध्यक्ष जो है गोयल, उन्होंने आगे आकर के 3 बीजेपी विधायकों के खिलाफ कार्रवाई की और उनको सदन से बाहर जाने का आदेश दिया। लेकिन आप ये समझ लें, ये जो चीजें हैं हमें दिख रही हैं, लेकिन इनके पीछे का जो सत्य है वो कुछ और है। इस वक्त पूरी तरीके से जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, ये समझने की बात है, क्योंकि 2024 का चुनाव सामने है और जो लक्ष्य बीजेपी ने अपने सामने रखा है, उस लक्ष्य को ये इनके इन प्रकरण प्राप्त करने के लिए, हासिल करने के लिए वो एड़ी चोटी का जोर लगाएगी। और केंद्र में क्योंकि बीजेपी की सरकार है, लेकिन दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, उसी तरीके से निगम में आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो अपने आप ही सत्ताधारी दल जो केंद्र में बैठा है उसको चुपता जरूर होगा। लेकिन एक बड़ा मुद्दा जो उनके हाथ में लगा हुआ है, मनीष सिसोदिया को, उस मुद्दे को लेकर के वो किसी भी तरीके से चूकना नहीं चाहते हैं, उसको छोड़ना नहीं चाहते हैं और पूरी तरीके से उनके निशाने पे केजरीवाल है। आप ये समझ लें, कई बार संजय सिंह का नाम आया, संजय सिंह भी लगातार बोलते रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के, राज्यसभा में भी, बाहर भी और मीडिया चैनल्स पर भी। लेकिन इस वक्त बीजेपी पूरी तरीके से अग्रेसिव बैटिंग कर रही है, वो ये चाह रही है कि जिस तरीके से मनीष सिसोदिया अंदर गए हैं, अब उनको एक क्लू मिल गया है कि इस पूरी की पूरी कथा का जो, यूं कहूं कि लेखन जो है वो खुद सीएम अरविंद केजरीवाल के घर पे हुआ था। तो यानी कि सीएम को सब कुछ बात पता था, जानकारी थी और उसके बाद ये हुआ। तो उनकी जो संभागिता है उसको प्रूव करने के लिए बीजेपी चूकेगी नहीं और जरा सा भी मौका मिलेगा तो वो कदम उठाएगी जिसकी शायद हम आप परिकल्पना नहीं कर सकते। लेकिन राडार पर अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह हैं, तो आप ये समझ लें कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी में आर पार की लड़ाई है। हालांकि कांग्रेस अक्सर आरोप लगाती रही है आम आदमी पार्टी को कि वह आप बीजेपी की बी पार्टी है, लेकिन इस वक्त ए और बी दोनों में द्वंद है, जबरदस्त युद्ध है। और युद्ध क्या है कि सत्ता जो सामने है उसको हासिल करना, उसके रास्ते में जो भी रोड़ा आएगा उसको हटाया जाएगा। और क्योंकि एक पूंछ, बड़ी पूंछ आपके हाथ में आ गई है, तो नहीं चाहते किसी तरीके से बाकी किसी आदमी को छोड़ा जाए या बख्शा जाए। तो मुद्दा है, मुद्दे को बीजेपी भुराने की कोशिश कर रही है। तो वहीं आम आदमी पार्टी जो है अडानी को लेकर के बाकी विपक्षी दलों के साथ बीजेपी को और खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेर रही है। देखने में क्या कि किसको शायद मिलेगी, किसको मात, 20 तारीख के बाद ये चीजें कुछ और सामने आ जाएंगी। बिल्कुल ठीक है मारूफ रजा जी, लौटूंगी आपके पास, लेकिन बीच आरती भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, सोशल मीडिया हेड, एक बार उनका भी फटाफट से रुक कर लेते हैं और जानते हैं कि सोशल मीडिया पर इसको लेकर क्या कुछ चर्चाएं चल रही हैं। आरती, आपके पास आऊंगी सीधा और जानकारी लूंगी इस खबर को लेकर। सोशल मीडिया की अगर बात करें, क्योंकि लगातार ट्रेंड कहीं जिसे हम देख रहे हैं इसको लेकर, जिस तरह से केजरीवाल को लेकर ट्रोल किया जा रहा है तमाम चीजों को लेकर, सोशल मीडिया पर क्या कुछ चर्चाएं, जानकारी इसको लेकर? जी बिल्कुल स्वाति, न सिर्फ केजरीवाल बल्कि मनीष सिसोदिया, राहुल और पीएम मोदी लगातार पिछले कुछ दिनों से ट्रेंड करें सोशल मीडिया पर। आज भी लोकसभा की कार्रवाई, यू कह लीजिए 5 मिनट तक कोई आवाज नहीं आ रही थी, तो इस पर कांग्रेस ने ट्वीट करते हुए तंज कसा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भाजपा अपने मित्रों के लिए लोकसभा की कार्रवाई भी म्यूट कर देती है, बिल्कुल आवाज नहीं आई थी। फिर उसके थोड़ी देर बाद तकनीकी खराबी का हवाला दिया और दूसरी तरफ लोकसभा और राज्यसभा की दोनों की कार्रवाई मंडे तक वैसे भी स्थगित हो गई, 20 मार्च तक स्थगित है। लेकिन इस बीच आज सभी विपक्षी पार्टियां अडानी कैंप को लेकर फिर से जेपीसी की मांग करते हुए नजर आई और आज की मांग में सोनिया गांधी खुद शामिल हुई। उसके अलावा जेपी नड्डा जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने लगातार राहुल गांधी पर हमला जारी रखा। उन्होंने कहा कि जिस तरह कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी ने भारत की अखंडता को कहीं ना कहीं खराब करने की कोशिश की है और भारत एक लोकतंत्र की सबसे बड़ी भूमि है और उसकी बेइज्जती करने की कोशिश कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने की है, तो राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी की माफी पर लगातार भाजपा अड़ी हुई है,
लेकिन उसका मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ तौर पर जवाब दिया। उन्होंने ये कहा कि पहले तो भाजपा को खुद अपने अंदर झांक के देखना चाहिए कि भाजपा खुद कितनी देश विरोधी है, उसके बाद जाकर कांग्रेस को सवाल करने चाहिए। राहुल गांधी ने तो सिर्फ जो मामले थे अडानी को लेकर जो मामला चल रहा है, इतना बड़ा स्कैम हुआ है, SBI एक तरह से कह लीजिए कि दिवालिया होने के कगार पर आ गई है, LIC के मामले को उन्होंने उठाया, सब कुछ डूबता जा रहा है, उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिरकार चुप क्यों बैठे हैं? एक तो ये मामला हो गया, लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही आज पांचवें दिन भी नहीं चल पाई, मंडे तक के लिए स्थगित भी हो गई है, अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ इसमें रुक बैठता है। दूसरी तरफ जो आज बिल्कुल, तो देखिए जिस तरह से आरती हमारी सोशल मीडिया हेड हमें जानकारी दे रही थी, सोशल मीडिया पर भी देखिए चर्चाएं कम नहीं है, हालांकि कोई भी पार्टियां पीछे हटने का नाम नहीं ले रही हैं, एक दूसरे के ऊपर हमलावर होती हुई नजर आ रही है, चाहे हम आम आदमी पार्टी की बात करें, चाहे हम BJP की बात करें, चाहे हम कांग्रेस की बात करें। अब देखिए यही वजह थी, देखिए पिछले कई दिनों से हम राज्यसभा और लोकसभा में तो हंगामा देख ही रहे थे, आज पांचवा दिन था संसद का और आज भी हंगामे के चलते कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया। आपको बता दें कि 20 मार्च तक के लिए, सोमवार तक के लिए कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है। अब 20 मार्च को देखना होगा, क्योंकि इससे पहले तो तमाम जो दिन थे वो हंगामे की भेंट ही चढ़ते हुए दिखाई दिए। हंगामा दोनों ही पार्टियों की तरफ से, चाहे हम पक्ष की बात करें, चाहे विपक्ष की बात करें, चाहे कांग्रेस की बात करें, BJP की बात करें, लेकिन देखिए दो इस दौरान अहम मुद्दे जो लगातार दोनों ही पार्टियों की तरफ से उठाए जा रहे हैं। अगर हम कांग्रेस की बात करें तो वो लगातार अडानी के मामले पर सरकार को घेर रही है, और अगर हम BJP की बात करें तो वो लगातार राहुल गांधी के जो उनकी विदेश यात्रा पर उनकी तरफ से जो टिप्पणियां की गई थी, लगातार BJP की तरफ से ये मांग की जा रही है कि राहुल गांधी इस पर माफी मांगे। लेकिन कल जिस तरह से राहुल गांधी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उनसे ये लगा कि वो माफी तो नहीं मांगेंगे, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि मैं सांसद हूँ और सांसद के तौर पर मेरा ये कर्तव्य है कि मैं संसद में ही अपना जवाब दूँ। BJP अगर मुझे अलाउ करती है, अगर मुझे जवाब देने देती है, तो मैं वहां पर जवाब दूंगा, मैं बाहर नहीं जवाब दूंगा, उन्होंने यही कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में। राहुल गांधी की तरफ से क्या कुछ कहा गया, पहले आपको ये सुनवाते हैं। अदानी जी और प्रधानमंत्री का रिश्ता क्या है, जो डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स अदानी जी को दिए जा रहे हैं वो क्यों दिए जा रहे हैं, जो श्रीलंका में बांग्लादेश में बात हुई है वो क्यों हुई, किसने की, ऑस्ट्रेलिया में जो प्रधानमंत्री जी और स्टेट बैंक के चेयरमैन और अदानी जी के साथ जो मीटिंग हुई वो क्यों हुई, उसमें क्या डिस्कस हुआ, तो ये सब सवाल हैं जो प्रधानमंत्री जिसके जवाब नहीं दे पा रहे, और ये मेन बात है। तो मैं MP हूं, आपने तो मेरी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्लियामेंट में जवाब देने की है। तो राहुल गांधी की तरफ से क्या कुछ कहा गया, राहुल गांधी ने साफ कहा कि मैं संसद में ही अपना जवाब दूंगा अगर मुझे बोलने दिया जाता है। लेकिन देखिए इसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से कहा गया कि अगर राहुल गांधी बोलते हैं, उन्हें बोलने की इजाज़त दी जाती है, क्योंकि BJP चाहती नहीं है कि वो जवाब दें, अगर वो जवाब देंगे तो सरकार का झूठ सामने आ जाएगा। यही वजह है कि देखिए आज जब राहुल गांधी संसद पहुंचे तो लगातार हंगामा शुरू हो गया, BJP की तरफ से शेम शेम के नारे लगाए गए राहुल गांधी को लेकर, और उसके बाद कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा। अब सवाल ये है, क्योंकि देखिए मुद्दों से इतर अगर हम बात करें, क्योंकि जो सत्र है वो काफ़ी छोटे समय का होता है, जनहित के मुद्दों को इस सत्र में उठाया जाना चाहिए, लेकिन हर बार हम देखते हैं कि जो सत्र हैं वो हंगामे की भेंट चढ़ जाते हैं, और इस बार भी देखिए ये देखने को मिला है, क्योंकि कोई भी पार्टी पीछे हटने को तैयार नहीं है। मारूफ लाला जी हमारे एडिटर इन चीफ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार उनका रुख कर लेते हैं फटाफट से, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। मारूफ जी देखिए, अगर सबसे पहले तो सवाल मैं ये आपसे करना चाहूँगी, क्योंकि हर बार हम जब सत्र को देखते हैं हम ये सोचते हैं कि इस बार शायद मुद्दों को लेकर चर्चा होगी, जो जनहित के मुद्दे हैं उनको उठाए जाएंगे, क्योंकि ये जो सत्र है ये कहीं ना कहीं जरिया होता है कि चाहे हम सरकार की बात करें, विपक्ष की बात करें, कि सरकार तक लोगों की बात पहुंचे, सरकार ने क्या कामकाज किया है, आगे क्या करने वाली है, क्यों नहीं हुआ है जो काम उन्होंने वादा किया था वो उसका ब्यौरा दे सके, जो विपक्ष है वो सवाल खड़े कर सके। लेकिन हम देखते हैं हर बार सत्र हंगामे की ही भेंट चढ़ जाते हैं, और इस बार भी देखिए वही देखने को मिल रहा है, जिन पर बात होनी चाहिए उस पर तो बात नहीं हो रही है। लेकिन कहीं ना कहीं इन तमाम चीज़ों के बीच में 2024 को के लिए तमाम रणनीतियां तैयार की जा रही हैं, उसके लिए मजबूती अपनी पार्टी को दी जा रही है।
देखिए सियासी पार्टियां तो सियासत करेंगे आप ये समझ लो, और जब 2024 का इतना बड़ा चुनाव सामने हो तो कोई भी पार्टी से चूकना नहीं चाहती है, और विपक्षी दल को पहले से ही बड़ा लंबा चौड़ा वनवास मिला, खास करके अगर मैं बात करूं कांग्रेस की तो और वो भी कांग्रेस की उत्तर प्रदेश में बात करूं, जहां से कहा जाता है कि पार्लियामेंट का जो रास्ता है उत्तर प्रदेश से होकर के निकलता है, 80 सीटें हैं, और जिस तरीके से पिछली बार 64 सीटें बीजेपी को मिली थी, हौसला बड़ा हुआ है, आपकी बार 80 की 80 सीटों पर उनकी नजर है, और बीजेपी के का अपना एक एजेंडा है, अपना एक तौर तरीका है, अपना एक टारगेट है, कांग्रेस को वहां पर वापसी है, अपनी जमीन की तलाश है, लेकिन सपा जो है वो पहले से मौजूद है, सत्ता में रही है, भागीदारी रही है, अब उसको भी अपनी जमीन वहां पर तलाशनी है, क्योंकि अगर वो यहां से चूकते हैं तो फिर मुझे लगता है कि बहुत बड़ा गैप उनके लिए भी हो जाएगा। इसलिए सारी विपक्षी पार्टियां 17-18 पार्टियां एकजुट हो गई हैं इस मुद्दे को भराने के लिए कि किसी भी लेवल पे आकर के बीजेपी को, खास करके नरेंद्र मोदी को वो टारगेट किया जाए और एक तरफ किया जाए। अब पार्लियामेंट जो होता है एक बड़ा जरिया होता है जहां पर पूरा देश देख रहा होता है कि पार्लियामेंट में हो क्या हो रहा है, बात हो रही हो या लात घूसे चल रहे हो, पेपर फाड़े जा रहे हो या वहां पर आरोप प्रत्यारोप हो रहे हो। सवाल यह है कि अडानी का जो मुद्दा है वो इतना बड़ा मुद्दा इनके हाथ लग गया है और इसको कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को समझते हुए तमाम पार्टियां एकजुट हो गई है, बाकी कोई और मुद्दा होता तो शायद ये पार्टियां एक साथ नहीं आती, एक मंच पर नहीं आती, एक ये बड़ा जो है ये गठजोड़ बन गया है जो बीजेपी के लिए सरदर्द तो है ही, लेकिन बीजेपी साथ में बार बार उसी मुद्दे को ले रही है कि राहुल गांधी ने बाहर जाकर के विदेश में जाकर के जो है वो देश को बदनाम किया, देश के लोकतंत्र को बदनाम किया। इसके जवाब में कांग्रेस के पास बहुत सारे सवाल है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सियोल में बाकी जगह भी जाकर के बहुत बार ऐसी बातें कही हैं, तो हमने भी कहा है तो कुछ नहीं, और मैं तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में था, स्टूडेंट्स को लेकर के लेक्चर दे रहा था, मैंने वो बात करी। आज जो बड़ी बात निकल के आई शशि थरूर के जरिए, शशि थरूर ने उल्टा वार किया कि मांगी माफी जो है राहुल गांधी को नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मांगनी चाहिए। तो अब इस खेल में एक नया जो है पत्ता शशि थरूर ने डाल दिया। अब अगर अडानी वर्सेस नरेंद्र मोदी होते हैं तो आप ये समझ लें कि बहुत मुश्किल है, क्योंकि जिस तरीके से चीजें हो रही हैं अडानी पर बात नहीं हो रही, हालांकि वो उसको टेक्निकल फॉल्ट कहा जाए कि राहुल गांधी बोले और आवाज नहीं आई, लेकिन फिर विपक्ष के हाथ में मुद्दा लग गया कि देखिए पहले मैं बोलने नहीं दिया जा रहा था, आज हम बोलने गए तो पूरी कार्रवाई खत्म कर दी गई। तो ये छोटे छोटे मुद्दे जो है जिसे कह के तिल का ताड़ बनाना, और 2024 का चुनाव सामने, हालांकि जहां बात आती है कि जनहित के मुद्दे क्यों नहीं है, तो कांग्रेस का कहना है कि LIC का पैसा डुबो दिया, LIC में सारे पैसे आम लोगों के लगे, SBI का सारा पैसा डुबो दिया, उसमें आम लोगों के पैसे लगे हैं, और जितने भी करार किए गए हैं, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट दिए गए, वो एक व्यक्ति को क्यों दिए गए हैं, इतनी प्यार इतना मोहब्बत उस एक व्यक्ति से क्यों जताया जा रहा है। तो ये जो सवाल बार बार जो विपक्ष उठा रहा है ना, आप ये समझिए कि अब एक सियासत में एक नई परिभाषा होगी कि किसी एक बात को आप जितना बोलेंगे तो आदमी 5% भी शिफ्ट हो गया तो आपका काम बन गया। तो ये एक चलन चल गया है, चाहे वो सत्ताधारी दल करे या विपक्षी दल करे, लेकिन ये जरूर है कि ये जो तकरार चल रहा है 20 मार्च तक तो अभी क्योंकि सारा का सारा ठप हो गया, उसके बाद चलेगा भी कि नहीं चलेगा। अगर मैं बात करूं कि पिछली बार भी ऐसे ही हुआ था, उसके बाद एक संयुक्त बैठक हुई, उस बैठक के बाद फिर सुचारू रूप से जो है सदन की कार्रवाई शुरू हो पाई थी। लगता कुछ शायद ऐसे प्रधानमंत्री को या यूं कहूं कि लोकसभा अध्यक्ष को जो है कुछ ऐसा करना पड़ेगा, सभी दलों को लेकर के एक सर्वदलीय बैठक करनी पड़ेगी, उसके बाद हो सकता है कि कोई रास्ता निकले, क्योंकि देश के और बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो संसद में नहीं उठाए पा रहे और वो लोगों के सामने नहीं आ पा रहे, तो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। अगर ये गतिरोध जारी रहा तो फिर यही देखना जरूरी होगा कि किसका पल्ला भारी होगा और किसका पल्ला हल्का। और कहीं ना कहीं कोशिश ये, क्योंकि देखिए विपक्ष का काम होता है, अब जिस तरह अगर हम आवाज करें, विपक्ष आवाज उठाता है, उसका काम होता है वो, हम इससे पहले देख चुके हैं, लेकिन इस बीच देखिए जो तमाम मुद्दे इतर कर दिए जाता है, ये देखने वाली बात होती है कि उन पर कब बात होगी, क्योंकि दोनों ही पार्टियां देखिए पीछे हटने को तैयार नहीं है, शायद एक पार्टी भी अगर पीछे हटे तो बात हो आराम से,
हंगामे ना हो और शायद उन मुद्दों के बाद लोगों की बात हो, लोगों के मुद्दों की बात हो, आम जनमानस की बात हो। हालांकि देखना होगा 20 मार्च को क्या कुछ तस्वीर सामने निकल कर आती है, उससे पहले तो देखिए दोनों ही सदनों की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। फिलहाल एक बार आरती का रुख कर लेते हैं, सोशल मीडिया हेड है हमारी, उनसे एक बार फटाफट बातचीत कर लेते हैं किसको लेकर क्या कुछ सोशल मीडिया पर खबरें निकल कर आ रही हैं। आरती देखिए, राहुल गांधी जब से विदेश यात्रा पर गए हैं उनको तो ट्रोल किया ही जा रहा है, जिस तरह से उन्होंने वहाँ पर टिप्पणियाँ दी और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी जो लगातार उनसे माफ़ी की मांग कर रही है, आज क्या कुछ जानकारी है उससे लेकर? जी बिल्कुल स्वाति, जैसा कि मारूफ जी ने कहा कि पहले राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जा रहा था, उसके बाद आज जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो आज टेक्निकल फॉल्ट का हवाला दे कारण को किसी ना किसी तरह रोक दिया गया। तो ये छोटे छोटे मुद्दे नहीं, बल्कि इन छोटे छोटे मुद्दों से ये साबित हो रहा है कहीं ना कहीं भाजपा की तरफ से, जिस तरह भाजपा बात नहीं करने दे रही, कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि भाजपा इस मुद्दे पर बात ही नहीं करना चाहती है। आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी ये कहा कि भाजपा महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दे, जो जनहित वाले मुद्दे हैं, जनता के मुद्दे हैं, उनको विपक्ष को उठाने नहीं दे रही है। यही कारण है कि भाजपा कोई ना कोई बहाना लगाकर राहुल गांधी को सदन में बोलने नहीं दे रही है। पहले तो राहुल गांधी का इंतजार होता कि वो सदन में आएंगे और बोलेंगे। कल भी उन्होंने कहा, जब पत्रकारों ने उनसे सवाल किए तो उन्होंने कल भी कहा था कि मैं सांसद हूं और मैं सदन में ही हर बातों का जवाब दूंगा और मैं माफी नहीं मांगूंगा क्योंकि मैंने भारत की कोई भी बेइज्जती नहीं की है, मैंने सिर्फ सच बताया है। और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में न सिर्फ अडानी स्कैम को लेकर बल्कि राहुल गांधी ने मोदी सरकार में के बहुत सारे मुद्दों की तारीफ भी की थी। उन्होंने मनरेगा का हालांकि कांग्रेस लाई थी, उसके अलावा छोटे छोटे बहुत ज्यादा जो मुद्दे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से लाए गए थे उनकी उन्होंने साफ तौर पर तारीफ भी की थी। लेकिन कहीं ना कहीं राहुल गांधी के एक अडानी स्कैम की बातचीत को लेकर भाजपा ने ये पूरा मुद्दा बनाया हुआ है। यही कारण है कि आज विपक्षी दल, चाहे वो राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, हर कोई धरने पर बैठा है और कार्रवाई कहीं ना कहीं ठप पड़ी है। और रही बात आज दिल्ली विधानसभा के बारे में, कुछ कहना चाहती थी वो बात मैं आपसे कर नहीं पाई। दिल्ली विधानसभा में जिस तरह से हंगामा हुआ, कल गुरुवार को जब संजय सिंह ने एक पुराना वीडियो जो एलजी विनय सक्सेना का दिखाया था, 2002 का दरअसल मामला है, गुजरात का साबरमती, क्योंकि मेधा पाटकर जो है वो सोशल वर्कर है, काफी संगीन मुद्दे वो बहुत सालों से उठाती हुई आई है, तो उन पर अटैक हुआ था। और कहीं ना कहीं अगर आज अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री, अगर विनय सक्सेना को बचाने की कोशिश कर रहे हैं तो उसके पीछे भी कहीं ना कुछ झोल है। झोल ये है क्योंकि आज अब से कुछ देर पहले मनीष सिसोदिया को लेकर ईडी पहुंची थी कोर्ट में, उनकी पेशी आज, उनकी रिमांड की जो दिन थे वो खत्म हो रहे हैं। अब देखना होगा कि मनीष सिसोदिया को कहीं ना कहीं उनको फंसा के रखा जाएगा कि मनीष सिसोदिया को कुछ राहत मिल पाती है, क्योंकि ये सब कुछ जो हो रहा है स्वाति, मैं आपको बताऊं तो 2024 को लेकर ही हो रहा है, चाहे वो भाजपा हो चाहे विपक्ष हो चाहे कांग्रेस, सभी पार्टियों का, चाहे हम सरकार की बात करें विपक्ष की बात करें, 2024 ही है। और यही वजह है कि देखिए हम रोज हंगामा देख रहे हैं, चाहे विधानसभा की बात करें, राज्यसभा की बात करें, लोकसभा की बात करें। आरती लौटूंगी आपके पास, एक बार फटाफट से रुख हमारे संवाददाता सुदीप का भी कर लेते हैं, काफी देर से मैं उनके पास गई नहीं हूँ। सुदीप देखिए, दोनों सदनों की कार्रवाई तो देखिए स्थगित कर दी गई है, लेकिन अब नजरें 20 मार्च को होगी क्योंकि लगातार राहुल गांधी से तो माफी की मांग की जा रही है सरकार की तरफ से, और कांग्रेस लगातार ये सवाल उठा रही है कि बीजेपी अडानी से अपने रिश्ते बताए, जो फेवर किया जा रहा था अभी तक सरकार की तरफ से वो किसने किया गया, क्या रिश्ता है उनका। तो 20 मार्च को यही देखना होगा कि जब एक बार फिर से तमाम लोग संसद में पहुंचेंगे तो राहुल गांधी क्या कहते हैं और सरकार क्या जवाब देती है। देखिए साफ तौर से आज जब कार्रवाई शुरू हुई तो कार्रवाई के बीच में राहुल गांधी ने यह पूछा कि मोदी और अडानी के बीच रिश्ता क्या है, उस रिश्ते बताया जाए। कल भी जब राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उन्होंने आज साफ तौर पर बताया था कि मैं सांसद हूं और मैं अपना जवाब सदन में दूंगा, ना तो मैंने कहीं भारत की बेइज्जती की है, ना तो मैंने ऐसा कुछ शब्द बोला है। और उन्होंने ये आशंका भी जताई थी कि कल मुझे सांसद सदन में बोलने का मौका नहीं दिया जाएगा, जो कि साफ तौर से ऐसे हुआ। देखिए पक्ष का काम होता है और जो विपक्ष का काम होता है वह खुद भी दोनों लोग निभा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस सदन में कार्रवाई को स्थगित करना या सदन में हंगामा करना ये कहीं ना कहीं नुकसानदायक भी है, क्योंकि देखिए बहुत दिनों बाद अब जाके विपक्ष एक साथ है, एकजुट है, लेकिन देखने वाली बात यह है कि ये विपक्ष कब तक एक साथ रहेगा। जैसे अभी आप देखें कि कुछ दिन पहले ही जब ईडी दफ्तर के घेराव करने जा रहे थे विपक्षी पार्टी, उसमें 16 दलों के सांसद साथ में थे, जबकि लगभग 18 से 18 दल है। लेकिन ये सब कुछ अगर देखा जाए, खासतौर पर 2024 लोकसभा चुनाव सामने है, उसी को देखते हुए सारी पार्टियां एकजुट है। और कहीं ना कहीं आज जब राहुल गांधी सदन में पहुंचे थे तो उनको ये पहले से ही उनको हल्का फुल्का देखा भी था कि हमको सदन में बोलने नहीं दिया जाएगा, लेकिन कांग्रेस
की तरफ जब राहुल गांधी इतना बोलना शुरू किए तो उसमें राहुल सेम के नारे बीजेपी वाले लगाए और वहीं पे अडानी और मोदी भाई भाई के नारे विपक्ष ने लगाए। तो साफ तौर से आप ये जान लीजिए कि विपक्ष में ठहराव कब तक बना रहेगा और 2024 लोकसभा चुनाव में क्या विपक्ष एकजुटता से आएगी, पार्टी किसी को अपना उम्मीदवार बनाएगी और क्या कुछ कैसे होगा। फिलहाल ये सारी चीजें 20 तारीख को जब सदन फिर से शुरू होगा ठीक है निकल कर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए। आरती आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ ही हमारे एडिटर इन चीफ मारूफ रजा जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। मारूफ जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए दो बड़ी खबरें जिनको लेकर हमने चर्चा की, 20 तारीख को क्या कुछ तस्वीरें सामने निकल कर आएंगी। उसके दूसरी तरफ अगर दिल्ली विधानसभा की बात करें कल क्या कुछ देखना होगा, क्योंकि सुबह से ही तमाम जगह पर हलचल नजर आ रही है, आम आदमी पार्टी दूसरी तरफ कांग्रेस उसके बाद भाजपा, सोशल मीडिया पर चर्चाएं लगातार हुई हैं उसको लेकर। सुबह से ही इन तमाम खबरों को लेकर हम आप तक अपडेट पहुँचा रहे हैं, आगे भी इसी तरह से पहुँचाते रहेंगे। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, नमस्कार।